तो अब हम बात करते हैं इंपोर्ट करने की अगली कटनी की। एक तो है कि डेटा आप उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया, तो कॉपी क्रिएट में बहुत बार प्रॉब्लम होती रहती है कॉपी में। अब अपेंड भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन कॉपी पेस्ट करना सही तरीका नहीं है। लेकिन हम बात करते हैं इंपोर्ट करने की बात, कि अगर एक्सेल में आपका डेटा है तो कैसे इसको इंपोर्ट करेंगे और इंपोर्ट को कैसे आप सेव करोगे, समझ गए? क्योंकि मान लीजिए एक ही फाइल को आपको बार बार इंपोर्ट करना पड़ रहा है और फाइल मैक्रो बना देंगे, डेली बेसिस नहीं, मैक्रो की जरूरत नहीं है, आप देख लीजिए क्या होगा। वो सेव कर लेते ना सर, इंपोर्ट का क्या कहते हैं, वो सेव कर लेते हैं नाम डाल के, फिर एक मैक्रो बना के उसे कॉल कर लेते हैं, बार बार मैक्रो रन करके उसे सारी फाइलें इंपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ, क्रिएट करने यहाँ पे एक्सटर्नल डेटा में जाता हूँ, यहाँ से मैं न्यू सोर्स में फ्रॉम फाइल और हम यहाँ पे एक्सेल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले तो आप अपने फाइल को सिलेक्ट कीजिए जिस फाइल को आप इम्पोर्ट करना चाहते हैं, एक्सेल की फाइल को हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे तीन मेथड है इंपोर्ट, जैसे कॉपी एंड पेस्ट करने वाले सिस्टम करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर लीजिए। अपिन मतलब कि मान लीजिए कि आपकी डेली बेसिस में मान लीजिए सेल्स का डेटा है आपका, और डेली बेसिस में आपको सेल्स का डेटा आता रहता है और आपने उसकी डेटाबेस एक्सेल में बना रखी है, तो आप चाहते हो कि वो कॉपी पेस्ट नीचे हो जाए तो आप अपेंड लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है हमारा लिंक डेटाबेस, लेकिन आप चाहते हो कि नहीं मेरा एक्सेल से लिंक हो, एक्सेल पे जैसे वर्क करे वैसे यहाँ पे लिंक करे। तो इसका यूज हम लोग करते हैं, जैसे कि बहुत सारे फीचर्स एक्सेल पे नहीं कर पाते हैं तो उसको हम एक्सेल में करके फिर वापस में एक्सेल में ले जाते हैं, तो उस केस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं इम्पोर्ट न्यू डेटा टेबल, राइट सर, एंड ओके। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है फर्स्ट रो कंटेन द कॉलम हेडिंग, ये आपका फर्स्ट रो कॉलम का हेडिंग है इसलिए यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट हमने किया, अब नेक्स्ट में ये आपका आईडी जो है ये आपका प्राइमरी नंबर है, ठीक है ना, वो यहां बता रहा है। तो मैं यहाँ पे डुप्लीकेट ओके को हटा के मैं इसको नो डुप्लीकेट कर देता हूं और डेटा हमारा डबल है, डबल के जगह पे मैं इसको लॉन्ग इंटीजर कर देता हूं, ठीक है। और हम अगर मान लीजिए इंपोर्ट नहीं, मतलब कोई पर्टिकुलर कॉलम को आप इंपोर्ट नहीं भी करना चाहते तो यहां से हटा सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए कि यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप इसको इस कॉलम को इंपोर्ट करें, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। यहाँ पे डिलीट मारेंगे सर, डिलीट होगा, डिलीट नहीं होगा, डिलीट क्यों करेंगे हम, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो डेटा शो कर रहा है ना आपका, यहाँ इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि मुझे क्वार्टर इंपोर्ट नहीं करना है तो डू नॉट इंपोर्ट फील्ड स्किप, ठीक है। एक ही सेल हम सेलेक्ट करेंगे, दो तीन सेल ज्यादा करेंगे, ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी बोल रहा है आपको कि लेट्स ऐड द प्राइमरी की, मतलब जो स्टार्टिंग में जो आपका वो आईडी का जो नया कॉलम ऐड हो जाता है, क्या उस कॉलम को आपको ऐड करना है या नहीं करना है, ठीक है ना। ऐड करना है तो यहाँ पे कर दीजिए, या फिर चूज माय प्राइमरी की में, तो यहाँ पे आप बता सकते हो कि मेरे पास ऑलरेडी एक आईडी है जिसमें प्राइमरी की है, समझ गए, या फिर नो प्राइमरी, इस डेटा में किसी भी तरह की प्राइमरी की हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें ये देखिए यहां पे दिख रहा है आप, इसके बारे में बाद में बताते हैं आपको, फिलहाल आप हम इसको फिनिश करते हैं। जैसे आप फिनिश करोगे ये आपको आएगा सेव इंपोर्ट, मतलब ये जो प्रोसीजर आपने अपनाया है क्या इसको सेव करना चाहते हो, क्या इस फाइल को आप बार बार आपको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको सेव पे कर देता हूं तो ये आपको देना पड़ेगा इंपोर्ट सीएफ या कोई नाम या डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे आप कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे क्रिएट आउटलुक टास्क दिख रहा है आपको सर, इससे क्या होगा कि आउटलुक में चला जाएगा, आउटलुक में रिमेंबर
में सेट कर सकते हैं। आउटलुक में, आउटलुक के टास्क में देख रहे हैं यहाँ पे, चलो हाईलाइट हुआ यहाँ पे टास्क हो गया, तो यहाँ पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं रिमाइंडर कि इस डेटा में इस इंपोर्ट को हमें चलाना है, दिख रहा है आपको सर। तो यहाँ पे अपना स्टार्ट डेट टाइम वगैरह हर चीज सेट कर सकते हो, यहाँ पे अपना वॉल्यूम वगैरह सब सेट कर सकते हो। उतने टाइम में मान लीजिए कि आपको हर बार डेटा, मान लीजिए कि हर बार आपको ये माइक्रो इंपोर्ट करने वाला फीचर्स को रन करना पड़ता है सिटी दोपहर के 1 बजे, तो आपने इंपोर्ट क्रिएट करते समय आपने यहाँ पे लगा दिया कि भाई मुझे इतने तारीख को मुझे कर दो, टास्क आपने क्रिएट कर दिया, तो जैसे ही टाइम होगा टाइम से 10 मिनट पहले आपका ये आउटलुक अलार्म बजना शुरू कर देगा, समझे ना। तो इसका और यहाँ से यहीं से आप क्लिक कर सकते हैं रन इंपोर्ट, आपको एक्सेस में जाना भी नहीं है, आप यहीं पे क्लिक कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज का डेट सेट कर देता हूँ, मान लीजिए टुडे 11:50, 48 मिनट ठीक है रिमाइंड कर, और फिर इसको हमने 7 क्लोज कर दिया राइट। अभी देखिए, अब देखिए दिखा आपको, दिख गया आ गया ना सर रिमाइंडर आ गया। और जैसे इसको आप डबल क्लिक करके आप ओपन करेंगे ये आपको दिख जाएगा, और यहीं से रन इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। कोई दिक्कत है इसमें, फेल मैं इस फाइल को क्लोज करता हूँ, इसमें था मैं यहीं से आउटलुक को रन करता हूँ। ठीक है, अब उस डेटाबेस को हम ओपन करते हैं, तो इसमें हो सकता है प्रॉब्लम हो क्योंकि मेरे पास 2 ऑप्शन है, तो मान लो 2003 को ट्रिगर कर दिया होगा तो दिक्कत हो सकता है। कौन सा डेटाबेस, 22 था ना, नहीं ध्यान है। इसी कारण से दिक्कत है, आप लेकिन कीजिएगा यहाँ से रन कर देता है वो इंपोर्ट कर देता है, हम इसको बराबर यूज करते थे, तो हमारा वो सेम माइक्रो जो है उसको ऑटोमेटिकली रन कर देता था। ठीक है, तो दोबारा अगर मुझे इस माइक्रो को रन करना है, तो मान लीजिए कि मैं दोबारा इस करना चाहता हूँ इसको रन, तो यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्स में जाता हूँ, सेव इंपोर्ट दिख रहा है आपको, सेव इंपोर्ट में आता हूं और इसको रन कर देता हूं। यहां दिख रहा है ओवरराइड, सर इसी कारण से दिक्कत हो रहा है, डेटा ऑलरेडी डेटा नाम बना हुआ है इसमें, तो ओवरराइड हमेशा ओवरराइड ही कर रहा है थिंक लग रहा है। मैं काम करता हूं इसका, और मैं इसका रिनेम करता हूं डेटा 1। 12 बजे से अब देखिए ये आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। आ गया सर दोबारा हम कुछ करना की जरूरत नहीं पड़ा। अब मैं इसको एक बार डिलीट करता हूं और फिर हम इसको आउटलुक से रन करवाते हैं। नहीं वरन ये आउटलुक से इसको रन होना चाहिए था,
इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, मैं इसको कर दूंगा, कि लग रहा है वो मेरे पास कैसा वर्जन है, आप लोग ट्राई करके देखिएगा, ठीक है। मैं इसको ऑफिस में बहुत यूज करता था। ओके ठीक ओके। तो सेव इंपोर्ट का फायदा क्या होता है कि आप इसका यूज करते हैं, लेकिन सेव इंपोर्ट का फायदा नया में हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग इसका यूज करते हैं जब हम कोई डेटा इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रॉम एक्सेल, जब इसको इंपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ अपेंड क्वेरी जब चलाते हैं, समझ गए, अपेंड क्वेरी जब चलाते हैं उस केस में इसका यूज करते हैं। एंड ओके एक इंपोर्टिंग द फाइल। अच्छा ये बता रहा है कि ऑलरेडी इंपोर्टेड है, जो हम इंपोर्ट क्वेरी से चलाते हैं ना, तो इंपोर्ट क्वेरी में जब हम यहाँ अपेंड होता है तो अपेंड क्वेरी में क्या होता है कि हर बार फाइल का यहाँ पे अपेंड कर देता है, बस हम अपना टाइम में फाइल को सेम रखते हैं और हर बार वो जाके इस इंपोर्ट क्वेरी को हम रन कर देते हैं, समझे सर। मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे फाइल को दिखा करके दिखाता हूँ आपको। मैं फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल और हमने यहाँ पे इम्पोर्ट डेटा, अब किस में इम्पोर्ट करना है, डेटा में इम्पोर्ट करना है राइट, और फिर हम इसको ब्राउज पे जाते हैं और हम CFA वाली फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ओके। अब सीट बोला कौन सा सीट, हमने बोला डेटा सीट, फिर नेक्स्ट, फर्स्ट रो कंटेन, हाँ अच्छा, इसमें डेटा अलग अलग फील्ड में डिफरेंस है इसलिए दिक्कत हो रहा है सर, फील्ड में जो डिफरेंस है ना सर इसलिए दिक्कत हो रहा है सर, फील्ड नेम अलग अलग, दूसरी फाइल सिलेक्ट किया ना फील्ड नेम अलग था सर, तो फील्ड नेम आपको सेम होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, फील्ड नेम अगर अलग होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी चीज है कि ये डुप्लीकेट डेटा को एंट्री नहीं करेगा सर, क्योंकि जो डेटा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा था CFA फाइल को, क्योंकि ये ऑलरेडी इंपोर्टेड है, इसमें इसका डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो चेक कर लेता है, तो इसमें डुप्लीकेट डेटा एंट्री होने के भी चांसेस कम होते हैं, देख रहे आपको। दोबारा दिखा देता हूँ ना, जैसे कि हमने हमने टेबल को डिलीट कर दिया, मान लीजिए ये टेबल हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, फिर हमने यहाँ पे इम्पोर्ट पे गए सॉरी एक्सटर्नल में, और हम यहाँ से फ्रॉम फाइल इसको हमने एक्सेल लिया और हम इम्पोर्ट, हाँ इसमें ये नहीं दिख रहा है आपको, दो चीज, एक चीज हट गया, क्यों हट गया, क्योंकि कोई टेबल इसमें है ही नहीं तो दिखाएगा ही नहीं सर। ओके किया, हम सारा इसमें हम जो है सारा चाहते हैं, कोई हाइड अनहाइड नहीं है, और प्राइमरी की भी ऐड करना चाहते हैं, एंड हमने इसको फिनिश कर दिया, एंड हम इस इनपुट को सेव नहीं करते हैं। अब ये हमारा डेटा आ गया राइट, अब इसमें हम दूसरा इंपोर्ट यहाँ से करते हैं क्रिएट में, दूसरा इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम एक्सेल, और इसमें हम अपेंड क्वेरी चलाते हैं डेटा में, और फिर यहाँ पे हम CF को सिलेक्ट करते हैं एंड ओपन करते हैं, फिर ओके, डेटा फाइल क्रिएट है, नेक्स्ट, और फिर यहाँ पे इसको हम फिनिश करते हैं। कैटेगरी हैज डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा पता है क्या प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है, देखिए ये कैटेगरी आपको यहाँ पे दिख रहा है आपको सर, तो ये कैटेगरी है,
तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप मेरे फाइल को, अभी हमने कल ये चीज बताना भूल गया था कि आप अपने फाइल नेम के अंदर में डॉट या किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर किसी तरह के स्पेशल करेक्टर है ना, स्पेशल करेक्टर इस्तेमाल करते हैं तो उसके जगह पे वो हैश लगा देता है। समझ गया ना, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रही थी। अब मैं इसको इम्पोर्ट करता हूं, तो किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए। यह दिक्कत हो रही है ना, मुझे इसको फिर से करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले हम फ्रॉम फाइल जाएंगे एक्सेल का, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे सीएफ को, ओपन एंड ओके, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। इसको हमने सेव नहीं किया। अब इसमें हम करते हैं वापस अगेन अपेंड क्यूरी, किसमें, डेटा में। कौन सा फाइल है, तो हमारा सीएफ फाइल है। फिर हमने इसको ओके किया, फिर नेक्स्ट, और हमने फिर इसको फिनिश किया। कैटेगरी डज नॉट एग्जिस्ट, कैटेगरी तो हटा दिया था ना मैंने इसमें, हमने डैश भी नहीं, डैश भी नहीं लेगा, ये दिक्कत हो रही है। किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर नहीं लेता है सिवाय अंडरस्कोर के। सॉरी, हम कोई और फाइल ओपन कर देते हैं तेरी। ये दो सीएफ नाम की दो फाइलें हैं ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गई थी सर। सीएफ की एक फाइल है हमारे पास, ये रहा, इस फाइल को इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि डॉट एक्सलेस एक्स है। इसमें डेटा है और इसमें कैटेगरी के आगे डॉट लगा, अपडेट करना पड़ेगा, डॉट हटाना पड़ेगा, ये डॉट हटाना पड़ेगा, अंडरस्कोर करना पड़ेगा, अंडरस्कोर। इसको सेव करते हैं। हाँ, लोकेशन पता लगा है सर? हाँ, फाइल का लोकेशन। हाँ, अब इसको हम यहाँ से इसको पहले डिलीट कर देते हैं, और हम इसको एक बार और इंपोर्ट करते हैं ब्राउज CF, open and okay, next 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 and finish। कुछ नहीं किया इसमें अपना मन से, और हम सेव नहीं करते हैं। अब इसमें एक बार क्यूरी और चलाते हैं एक्सेल फॉर द अपेंड क्यूरी, एंड हम यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CF की, फिर ओके नेक्स्ट। अब हो गया, अब इसको हम सेव कर देते हैं import.cf के नाम से, एंड सेव इम्पोर्ट। तो डिफरेंस नाम ऑलरेडी इस नाम से है, अपेंड सीएफ से, है सर। तो इसमें देखिए, इसमें डेटा डबल हो गया है। आप अगर इसको देखेंगे डेटा को, तो डेटा आपका सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है। ये आपका डेटा ही रहा, 3400 हो गया। जैसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सेल में कंट्रोल एरो क्लिक करते हैं तो जैसे सबसे राइट वाले कॉलम में चला जाता है, और जहां ब्लैंक होता है वहां पे जाकर रुक जाता है, ठीक सर। ऐसा इसमें करना हो तो कैसे करें?
सर इसमें सबसे लास्ट में यहां से जा सकते हैं? नहीं सर, सबसे लास्ट में नहीं, अब जैसे मानिए जोन वाले कॉलम में मैं हूँ। अच्छा, जोन वाले कॉलम में बीच में एक जगह ब्लैंक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप जब ब्लैंक पे हो और जैसे हाँ कंट्रोल एल चलते हो बोल रहे ना, तो आप यहाँ कहाँ सर, ये ब्लैंक है, अब मैं ऊपर से कंट्रोल डाउन मारूं तो यहाँ पे ब्लैंक पे रुक जाना चाहिए ना सर, ये सबसे नीचे चला जाता है। इसमें नहीं है कुछ ऐसा लग रहा है बना हुआ सबसे लास्ट में। वो ब्लैंक को बेसिकली क्या है ना सर कि एक्सेस या कोई भी डेटाबेस ब्लैंक को ब्लैंक नहीं रखता है, उसको नल लगता है। वो तो है सर, लेकिन यहाँ भी दिक्कत है कि आप ब्लैंक पे जाना चाहते हैं ना, तो मानिए नल पे ही जाना चाहते हैं हम सर, नल कैसे जाऊं मैं, मतलब ऐसे कीवर्ड से कैसे, मतलब एरो बटन से कैसे जाऊं? एरो बटन सर इस पे नहीं है, देखना पड़ेगा सर इसके लिए। तो ये आपका इंपोर्ट एक्सेल टू एक्सेल हुआ। अब जब भी आपको मान लो फाइल को इंपोर्ट करना है तो सेव इंपोर्ट पे जाके आप इस इंपोर्ट को रन कर दीजिए, रन करते ही डेटा आपका अपेंड हो जाएगा। और सर फाइल अगर अलग अलग है तब? नहीं तो दिक्कत है, फाइल अगर अलग अलग आपका होता है तो फिर इस पे जाके आप नहीं कर सकते फाइल। हम सर ये जो प्रोसीजर स्टोर है इसमें चेंज कर, यहाँ से अगर फाइल अलग अलग है तो यहाँ से फाइल की लोकेशन चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ देखिए चेंज करने का ऑप्शन है, ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि फील्ड और फील्ड के डेटा टाइप सारे एक जैसे होने चाहिए, फील्ड के डेटा टाइप है इम्पोर्ट नहीं होगा। और जैसे इम्पोर्ट हम सेव करते हैं, एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट हम बाद में डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कि हम डेटा इंपोर्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले बात आप एक्सेल से कर सकते हैं, दूसरा HTML डॉक्यूमेंट। और HTML डॉक्यूमेंट क्या होता है? अब जैसे वेब पेज पे जो होता है, हाँ वेब पेज पे, कौन सा कैसा वेब पेज, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक वेब पेज ले लेता हूँ, उसको इम्पोर्ट करता हूँ, मान लीजिए ये हमारा वेब पेज है और ये डेटा जो दिख रहा है आपको, इसमें डेटा आता है, इस डेटा को मुझे इंपोर्ट करना है। तो अब इसमें क्या हम डायरेक्ट HTML से कर सकते हैं इंपोर्ट, या डायरेक्ट वेबसाइट यहाँ पे सॉरी HTML? अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि HTML का उसको फाइल चाहिए, ना कि आपकी वेबसाइट एड्रेस, बात समझ गए? जैसे मान लीजिए ना कि मैं मेरा डेटा है, इसी डेटा को लेता हूँ, मैं इसी डेटा को लेता हूँ, तो इस डेटा को, इस फाइल को मैंने यहाँ से सेव एज कर दिया ब्राउज, और यहाँ पे हम चले गए वेब पेज और इसको हमने सेव कर दिया डेस्कटॉप को। एंटायर वर्कबुक नहीं, सिलेक्टेड सीट पब्लिश। तो आप देखेंगे आप यहाँ पे कहाँ गया, सीट वन के नाम है ना, सीएफ सर्वर ऊपर वाला आइकन जो बना है सीएफ, हाँ दिख गया, वन के नीचे सर, वन के नीचे, वन के नीचे, हाँ सी एफ सॉरी ऊपर था ना, हाँ ये आया ना सर। इसके डेटा को मुझे एक्सेस में इंपोर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और cf.html को लूंगा और इसको मैं ओके, देखिए सर, तो ये जो ऊपर वाली फाइल दिख रही है ये आपका HTML की फाइल है। तो अगर कोई वेबसाइट का पेज आपके पास है, कोई डेटा है, उसको आप एक्सेस में इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसको सेव एज HTML कर दीजिए और उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। अच्छा सर, एक्सेल में तो वही वहां से भी होता है, फ्रॉम वेब होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास इसी है, तो मैंने इसी के फाइल को यहाँ से कंट्रोल एस किया और हम यहीं पे पीएचपी नहीं, मैं इसको डीएम डॉट
HTML का फाइल सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। सेव हो गया। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ क्रिएट पे जाऊंगा, सॉरी क्रिएट एक्सटर्नल में सोर्स फ्रॉम फाइल फ्रॉम HTML अपेंड डेटा, नहीं नहीं अपेंड नहीं है, और हम इसको ब्राउज करेंगे DM ओपन एंड ओके। अब यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम आ गया, दिक्कत है, इसलिए ये आपका सेव हो जाएगा। ठीक है सर? तो अब डेटा आपका सही तरीके से आएगा या नहीं आएगा वो डिपेंड करता है आपका, देखिए टेबल।